हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक टीवी है, ये एलजी कंपनी का टीवी है दोस्तों, लेकिन इसका जो पीसीबी है एलजी कंपनी का, लेकिन मैं टेस्टिंग ट्यूब पे चेक कर रहा हूँ। और इसका जो प्रॉब्लम है वो पहले देख लेंगे। पहले टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जलने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है। इस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला टीवी चालू हो गया देखिए। और चालू होने के बाद ये वाला जो हमारा लाइन दिख रहा है, ये हमारा रेड वाला दो लाइन है, ग्रीन वाला दो लाइन है और ब्लू वाला दो लाइन है। लेकिन ये जो डिपरिंग हो रहा है, ये हमारा कैमरे के वजह से हो रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड है। हमारा जो लाइन है, ये लाइन फिक्स्ड होके रह गया है। इस वाला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये वाला प्रॉब्लम के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो काम करने के लिए आसान होगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा स्क्रीन जो है वो सेटिंग करने के बाद, लेकिन इसको जब मैं हाई कर दूंगा, थोड़ा सा हाई कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा हाई कर देंगे तो कैसे वाला हमारा लाइन आ रहा है। देखिए ये वाला लाइन आ रहा है। मतलब दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम है आज का, वो वाला प्रॉब्लम ये वाला प्रॉब्लम है, जो हमारा स्क्रीन लेवल सही कर देने से हमारा तीन लाइन, चार लाइन, छः लाइन दिख रहा है, सभी कलर का दो दो लाइन। लेकिन इस पर जो प्रॉब्लम है, आज का जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम हमारा, ये वाला बहुत सारा लाइन आ रहा है। और ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए रास्ता का हमारा वीडियो, तो पता चल जाएगा ये वाला प्रॉब्लम को कैसे हटाता है। ठीक है दोस्तों, मैं पीसीबी दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं ये पीसीबी मैं कस्टमर के घर से लेके आया था, और इसको लेके आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वाला देखिए हमारा एलजी का पीसीबी, ये वाला पीसीबी है, और ये वाला पीसीबी को मैं टेस्टिंग ट्यूब पे चेक कर रहा था। और आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा लाइन आ रहा है, लेकिन हमारे पिक्चर पे कोई भी स्नो नहीं है, कोई भी लिखा भी नहीं आ रहा है, और मैनू लिखा भी नहीं आ रहा है। मतलब हमारा पूरी तरह से स्क्रीन ब्लॉक हो गया है, और हमारा लाइन कुछ लाइन दिख रहा है, और कलर वाला लाइन दिख रहा है, सफ़ेद वाला लाइन नहीं, कलर वाला लाइन। और जब मैं ईएचटी का जो लाइट है, लाइट को बढ़ा देता हूँ, तो पूरी स्क्रीन पे हमारा सफ़ेद वाला लाइन आ जाता है। इस वाला प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों, एक चीज़ गौर कीजिए, मैं जब टीवी को हाई स्क्रीन कर देता हूँ, स्क्रीन को हाई कर देता हूँ, तो इस पे जो सफ़ेद वाला लाइन आ रहा है, वो सफ़ेद वाला लाइन पे हमारा जो रेनबो कलर होता है, रेनबो कलर आ रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए हमारा स्क्रीन, और इसको मैं जब फोकस को, लाइट को बढ़ा देता हूँ, देखिए हमारा रेनबो वाला कलर आ रहा है। मतलब दोस्तों, ये वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड हमारा ये वाला प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ये वाला वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होता तो हमारा और कुछ प्रॉब्लम देता, लेकिन इस पर जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन हमारा छः लाइन है, लेकिन वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होता तो थ्री लाइन आता, थ्री जो रेड ग्रीन ब्लू का तीन कलर का लाइन आता, लेकिन इस पर छः कलर का लाइन आ रहा है, सॉरी दोस्तों, छः लाइन आ रहा है तीन कलर का। और इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखाने के लिए पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलट लिया, और पलट लेने के बाद इसका जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, और चेक करने से पता चल जाएगा हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो दोस्तों, हमारा ये वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर वर्टिकल आईसी का प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल आईसी का प्रॉब्लम होता तो, जब मैं बता रहा था, हमारा सिस्टम पे तीन कलर का लाइन आता, लेकिन इस पर जो 100 UF 35 वोल्ट या 40 वोल्ट का जो कैपेसिटर रहता है, वो फिल्टरिंग करने के लिए, वो फीडबैक के लिए, वो वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाता तो ये वाला ऊपर वाला जो लाइन है वो लाइन आता, लेकिन स्क्रीन पे पिक्चर रहता। लेकिन इस पर स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं है, पिक्चर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और मैं वर्टिकल का सेक्शन का जो वोल्टेज होता है, उसको भी चेक कर लेंगे। ये हमारा पॉजिटिव का वोल्टेज है, जो हमारा वर्टिकल आईसी को सप्लाई देने के लिए दिया जाता है, 14 वोल्ट प्लस और 14 वोल्ट माइनस। इस पर देखिए 14 वोल्ट प्लस आ चुका है, और इस पर माइनस भी चेक कर लेंगे, तो इस पर -13.5 दिख रहा है। मतलब हमारा दोनों वोल्टेज आ रहा है, और दोनों वोल्टेज आने के बाद इस पर भी चेक कर लेते हैं, हमारा 14 वोल्ट इस पर पॉजिटिव मिलेगा ये वाला पॉइंट पे, देखिए 14 वोल्ट प्लस, और 14 वोल्ट माइनस इस पर मिलेगा, देखिए 14 वोल्ट माइनस।
मतलब दोस्तों हमारा वर्टिकल आईसी को वोल्टेज पहुंच रहा है, और पहुंचने के बाद और एक चीज़ चेक करना है, हमारा मेन जो आईसी है, मेन का आईसी से जो वर्टिकल आईसी को फीड देता है, जो फीड होता है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का, वो वाला फीड को चेक करेंगे। जैसे हमारा दोनों पॉइंट हो जाता है ए वाला, वी ए वी बी जो हमारा पॉइंट है, ए वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज मिलेगा। देखिए इस पे 1 मिल रहा, 0.2 मिल रहा है, और दूसरे पे मिल रहा है हमारा 0.1। लेकिन इस पे थोड़ा सा वोल्टेज होना चाहिए था, 6 तक वोल्टेज होना चाहिए था, 0.6 तक वोल्टेज होना चाहिए था, लेकिन इस पे वोल्टेज नहीं है। और मैं रेजिस्टेंस के बाद जो, सॉरी दोस्तों, ये लाइन के बाद ये फीडबैक इन जो होता है उस पे चेक कर लेते हैं। इस पे चेक करेंगे, देखिए वही वोल्टेज आ रहा है जो 0.1। इस पे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ना चाहिए, नहीं तो वर्टिकल आईसी काम नहीं करेगा। आपको लग रहा है जो वर्टिकल का जो लाइन आ रहा है जो कलर वाला, और स्क्रीन को बढ़ाने के बाद जो हमारा बहुत सारा लाइन आ रहा है और रेनबो कलर आ रहा है, रेनबो कलर आने के बाद आप लोगों को पता है हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब हो जाता है कभी कभी, हमारा रेनबो कलर आने के जो प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस पे हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब नहीं है, वर्टिकल आईसी पे फ्री भी पहुंच नहीं रहा है जो मेन आईसी से, इसीलिए ही ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन और एक चीज़ चेक करेंगे, जो हमारा मेन आईसी को सप्लाई दिया जाता है, जैसे हमारा मेन जो पावर सप्लाई देता है, पावर सप्लाई से हमारा कुछ वोल्टेज रहता है, जैसे हमारा 110 वोल्टेज जो 113 दिख रहा है, जो हमारे ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, और ईएसटी तो रनिंग हो गया है वो वाला वोल्टेज से, और दूसरा वोल्टेज होता है हमारा ए वाला वोल्टेज जो इस पे मिलेगा, जो इस पे 9.8 बता रहा है। 9.8 कहाँ पे जाता है, ए वाला रेगुलेटर पे, जो हमारा 4-पिन रेगुलेटर होता है, जो इन आउट और ए वाला स्विचिंग और ग्राउंड होता है, ग्राउंड और स्विचिंग पिन। और ए वाला स्विचिंग करने के बाद इन पे जो इन वोल्टेज जो होता है, इन वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट रहता है, 9 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज रहता है हमारा 8 वोल्ट, 7.9 बता रहा है, ए भी सही है। और ए वाला वोल्टेज फीडबैक के बाद हमारा मेन प्रोसेसर पे चला जाता है, जैसे देखिए हमारा ए वाला वोल्टेज मेन प्रोसेसर पे सप्लाई दिया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा, इस पे वोल्टेज मिलेगा कहाँ पे, ए वाला पॉइंट पे, ये देखिए ए भी 9 वोल्ट है, ए 9 वोल्ट कहाँ पे सप्लाई दिया गया है, ये देखिए हमारा इस वाला रेगुलेटर को। LGPCB पे दो तरह का रेगुलेटर सर्किट होता है, एक हमारा 9 वोल्ट आउटपुट करने के बाद हमारा 5 वोल्ट को दिया जाता है, लेकिन इस पे और एक वोल्टेज दिया गया है 9 वोल्ट जो हमारा सप्लाई दिया जाता है हमारा ए वाला 5 वोल्ट रेगुलेटर को। और 5 वोल्ट रेगुलेटर पे इन हो जाता है हमारा 9 वोल्ट और आउटपुट होता है हमारा इस वाला 5 वोल्ट। लेकिन दोस्तों इस पे और एक प्रॉब्लम था, जैसे मैं देखा ये वाला जाम्पर करके रखा हूँ, मैं जाम्पर को हटा देता हूँ, मैं जाम्पर को काट देता हूँ, काट दिया। और काटने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे देखिए इन तो इस वाला तो पॉइंट पे हमारा 9 वोल्ट मिल जाता है, देखिए 9 वोल्ट मिल गया। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस का आउटपुट होता है, आउटपुट पे 5.7 मिल रहा है, और 5.7 हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर का इन पॉइंट पे मिलने के बाद आउटपुट पे कितना मिलेगा वो देख लीजिए, देखिए 4.3। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा आउटपुट पे शॉर्टेज दिख रहा है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है, और इनपुट पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए 9 वोल्ट या 7 वोल्ट तक आना चाहिए था, उस पे बाद हमारा 5 वोल्ट रेगुलेटर आउट करता 5 वोल्ट, लेकिन आउट कर रहा है 4.3 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कहाँ पे जाता है, हमारा एक तो ये वाला रेगुलेटर होता है 3.3, और दूसरा होता है हमारा मेन जो, सॉरी दोस्तों मेन आईसी नहीं है, ये वाला जो इप्रोम आईसी रहता है, इस पे वोल्टेज पहुँचता है, इस पे जो वोल्टेज पहुँच रहा है 4.1, और रेगुलेटर जो 3.3 इस पे इनपुट हो रहा है हमारा वही वोल्टेज
4.1 और आउटपुट हो रहा है 3.3 के जगह पे देखिए 3.2, मतलब एक करीब करीब वोल्टेज है, वो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट कम वोल्टेज दे रहा है, इनपुट पे भी वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया, आउटपुट पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, मतलब ये वाला रेगुलेटर ख़राब हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं रेगुलेटर को चेंज करके देख लिया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ये वाला रेगुलेटर सही है। उसके बाद मैं रेगुलेटर को चेक करने के बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये जो इनपुट हो रहा है, इनपुट वोल्टेज पे ही ये वाला इनपुट वोल्टेज हमारा मेन प्रोसेसर पे भी सप्लाई दिया गया है, जो वोल्टेज हमारा मेन प्रोसेसर को रनिंग करता है, और रनिंग करने के बाद हमारा वर्टिकल प्रोसेसर को वर्टिकल आउटपुट जो होता है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग जो सेंस होता है वो वाला सेंस जाता है हमारा वर्टिकल आईसी को, वही सेंस प्रॉब्लम है। ये वाला वोल्टेज भी प्रॉब्लम दे रहा है हमारा 5 वोल्ट का, और हमारा मेन जो प्रोसेसर से जो फ्लिप आता है वो फ्लिप भी प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए पूरी तरह से मैंने चेक करने के बाद मुझे पता चला हमारा जो आज का जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम हमारा ये वाला मेन प्रोसेसर ही है, जो मेन प्रोसेसर से फ्लिप नहीं दे रहा है, फ्लिप नहीं देने के कारण हमारा जो वर्टिकल का जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा जो वर्टिकल का फ्लिप नहीं तैयार हो रहा है, मतलब हमारा मेन प्रोसेसर से ही पॉइंट पे मेन प्रोसेसर ख़राब है, अंदर से खराब हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करना है, हमारा वर्टिकल आईसी भी सही है और रेगुलेटर भी सही है, लेकिन हमारा प्रोसेसर ही शॉर्टेज दिख रहा है, इसीलिए प्रोसेसर को चेंज करना है। कुछ भी नहीं चेंज करना है, मेन प्रोसेसर को चेंज कर देने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला प्रोसेसर का नंबर TDA3970PSN3A 1685 ये वाला प्रोसेसर है, और मेरे पास वही नंबर का एक प्रोसेसर, वही सेटिंग का प्रोसेसर है, लेकिन ये नंबर कुछ अलग है। ये देखिए ये वाला हमारा TDA3970PS इस पे हमारा है TDA3940PS ये वाला प्रोसेसर भी ये प्रोसेसर पे काम करेगा, और ये वाला प्रोसेसर को मैं चेंज करूँगा, और इसको चेंज करने के बाद मैं नया वाला एक प्रोसेसर लगा लूँगा, और नया वाला प्रोसेसर ये वाला जो प्रोसेसर है इस प्रोसेसर को कनेक्ट कर दूँगा। इसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद ये वाला प्रोसेसर को कनेक्ट करूँगा। मैंने इस पे बेस लगा के रखा था, काम करने के लिए आसान होता, इसलिए मैं प्रोसेसर को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। फिर से पावर देने के बाद पता चल जाएगा हमारा जो जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था, इसका इन्वर्टिंग प्रॉब्लम, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग प्रॉब्लम और रेगुलेटर का वोल्टेज। टीवी को पावर दे दिया, पावर इंडिकेटर जल चुका है, जलने का मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है, और स्टार्टिंग होने के बाद हमारा स्क्रीन पे देखिए हमारा स्क्रीन ओके हो गया है, हमारा स्नो आ चुका है, मतलब एबीबी आएगा। और उसके पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला रेगुलेटर का वोल्टेज चेक करूँगा, जैसे इन हो रहा है हमारा 9 वोल्ट 9.2, आउट हो रहा है दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस पे आउट हो रहा है 7.8, जो हमारा कम होके 6.2 पे चला गया था, और दोस्तों 5 वोल्ट तक आ गया था, और इस पे जो आउटपुट हो रहा था 4.2, इस पे आ गया 4.9, मतलब प्रोसेसर पे जो शॉर्टेज के कारण हमारा रेगुलेटर पे वोल्टेज आउटपुट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, वो वाला वोल्टेज सही हो गया है। और देखिए 3.3 पे रेगुलेटर पे इन हो रहा है हमारा 4.7, और आउटपुट हो रहा है इस पे 3.2 हो रहा था, 3.2 भी है। और उसके बाद हमारा जो रिफॉर्म आईसी है, रिफॉर्म पे देखिए 4.8 आ चुका है, मतलब हमारा रेगुलेटर सेक्शन सही हो गया है,
मेन प्रोसेसर को नया वाला लगाने के बाद और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का सिस्टम चेक कर लेते हैं। जो ये वाला दो पॉइंट दिख रहा था, ये वाला जो पीएफ लगाया हुआ है, जो वी बी वी ए, इस पे चेक करेंगे। जो पॉइंट वन पॉइंट टू बता रहा था, इस पे आ गया है पॉइंट फोर, और दूसरे पे भी चेक कर लेंगे पॉइंट फोर। मतलब पॉइंट वन जो आ रहा था उस पे चेंज होके पॉइंट फोर आ चुका है, और पॉइंट फोर आने के बाद हमारा वर्टिकल आईसी काम करना शुरू कर दिया, और शुरू कर देने के बाद हमारा पिक्चर भी आ चुका है। मैं इसको ए बी पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, देखिए कैसे आता है। देखिए ए बी पे ट्रांसफ़र कर दिया और हमारा ए बी लिखा भी आ चुका है। मतलब हमारा टी बी जो प्रॉब्लम था आज का, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और इस पे पिक्चर लगाने से हमारा टी वी भी रनिंग कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को लेके आऊँगा, आप लोगों को पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।